यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और इसमें चार लोग झुलस गए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मामला बद्दी के तहत बुद्ध मोरपेन रोड का है, जहां पर उद्योग के ट्रांसफार्मर के नीचे लगे सीटीपीटी में जोरदार धमाका हुआ है। हादसे के समय ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जा रही थी और अचानक हुए ब्लास्ट के बाद चार लोग इसकी चपेट में आकर झुलस गए हैं, जिसमें से दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। चार घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद दो को पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जबकि विद्युत कर्मचारी का उपचार बद्दी के निजी अस्पताल में चल रहा है। धमाका इतना जोरदार था कि उद्योग और आसपास की फैक्ट्रियों के लोग भी बाहर आ गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और इस हादसे में चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है, काफी जोरदार यह धमाका बताया जा रहा है और फैक्ट्री के सीटीपीटी में यह धमाका हुआ है, जिसमें चार लोग बुरी तरह से झुलस गए। नालागढ़ से हमारे संवाददाता जेबी सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जेबी सिंह, क्या कुछ अपडेट है? जी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ब्लास्ट हुआ है कल बीती रात का मामला है। ये बद्दी के बुद्ध में अंकावाली गांव के पास एक फैक्ट्री है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाती है, प्रेस होते हैं उसके, जो पार्ट्स वगैरह कंपनी बनाती है, वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने का कारण फिलहाल सामने यही आया कि जो ट्रांसफार्मर था फैक्ट्री का, उसका जो रिपेयर का जो काम था वहां पर चल रहा था, उस दौरान ये जब तीन लोग उसकी रिपेयर कर रहे थे, उसी दौरान एक जो ड्राइवर गाड़ी चालक वहां पर एक गाड़ी बनने के लिए फैक्ट्री में आया था, तो उसी के साथ में वो खड़ा हो गया। तो जैसे ही वो उसकी रिपेयर कर रहे थे, नीचे से ट्रांसफार्मर के नीचे से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने की वजह से वो चार लोग थे जो वहां पर खड़े हुए थे, पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको रेत डालकर जो उनके ऊपर आग लगी उसको बुझाया गया। उसके बाद उनको बद्दी के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। अभी भी आपको बता देना चाहता हूँ, अभी तक जो हमारे पास अपडेट आई है, तो अभी भी वहां पर जो चार लोग हैं उनकी हालत है वो गंभीर बनी हुई है और उनका वहां पर, तो जेबी सिंह, चार लोग थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। आपने बताया कि काफी नाजुक उनकी हालत बनी हुई है फिलहाल, लेकिन काफी जोरदार धमाका बताया जा रहा है, काफी जोरदार ये ब्लास्ट रहा, आसपास के लोग भी बाहर निकल कर आ गए, तो क्या और कुछ नुकसान भी इसकी वजह से हुआ है? जी बताना चाहता हूँ, जो ये ब्लास्ट है काफी बड़ा ब्लास्ट था, काफी धमाका हुआ, काफी मात्रा में ये जो आवाज यहाँ पर आई, तो जितनी भी आसपास की फैक्ट्री है उसके लोग बाहर निकल आए कि कोई नुकसान ना हो पाए। लेकिन ये आपको बता देना चाहते, इसके अलावा यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, कारण यही सामने आ रहे हैं कंपनियों के, फैक्ट्री प्रबंधन की यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही देखने में सामने आई है, कि जिस तरह के जो सेफ्टी का यहाँ पर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसके कारण ये आए दिन बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर हादसे होते हैं रहते हैं। तो देवी सिंह, आपका कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे होते रहते हैं? जी, जैसा कि कोई कर्मचारी यहाँ पर काम करता है या कोई नेचर यहाँ पर कोई कंपनी के अंदर एंटर होता है, तो उसको कंपनी की ओर से जो सुरक्षा तबज देने चाहिए वो इनको नहीं दी जाते, जैसे कि जो लेदर शूज हो गए, वर्दी हो गई, दूसरा हेल्थ हाथों में डालने के लिए दस्ताने वगैरह जो भी उनको उस लिए होने चाहिए वो उनको नहीं दिए जाते, जिसके कारण आए दिन जो मजदूर है उसका खामियाजा इन हादसों में, उनकी अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। बीते कई, अगर हम साल की बात करें तो एक दर्जन से ज्यादा मजदूरों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है ऐसे हादसों के कारण, लेकिन उसको लेकर भी अभी तक कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री प्रबंधन या सरकार या प्रशासन कोई भी सुर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका जो खामियाजा है आम मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, खामियाजा जो है वहां काम कर रहे मजदूरों को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया जेबी सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो काफी धमाकेदार ये ब्लास्ट हुआ फैक्ट्री के सीटीपीटी में, ये जोरदार धमाका हुआ है और आपको बता दें कि सर हादसे में चार मजदूर झुलस गए हैं, जिनमें से दो की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, पीजीआई उन्हें रेफर कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा की अगर बात की जाए, तो वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से मजदूरों को कई बार इस तरीके के हादसे में अपनी जान गंवाकर खामियाजा भुगतना पड़ता है।